इरकॉन हम आज देख रहे हैं कि 2.5% ऊपर है, 246 का लेवल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी क्या इसी तरह के कुछ इंडिकेटर मिल रहे हैं? बहुत लोग ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं, एक महीने में 8% के आसपास करेक्ट हुआ है ये शेयर, हायर लेवल पे लोगों की पोजीशन बनी हुई है, अच्छा चला, अब सुस्ता रहा है। जी बिल्कुल। और कल का जो इसने लो बनाया था 234 का, वो भी इम्पोर्टेंट लेवल हो गया है। तो 230 मोटा मोटी मानिए, और 230 अगर इसने ये स्तर नहीं तोड़ा तो हो सकता है कि यहाँ से ये वापस एक रिवर्स मोमेंटम पकड़े अपसाइड की तरफ। तो हमें अभी तो क्लोजली वॉच करना है 225 से 230 के जोन को। अगर ये लेवल्स नहीं टूटते हैं तो एक बार ये 265 तक जाने की पूरी तैयारी कर रहा है, और उसके ऊपर निकला तो फिर अगला टारगेट 280 का भी रखा जा सकता है। तो होल्ड करने की सलाह। होल्ड करने की सलाह है। मैम, एक छोटी टिप्पणी RVNL को लेकर के, यहाँ पर हमने थोड़ी देर पहले बातचीत की थी, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि चूंकि इसको हम अलग सेगमेंट के रूप में बजिंग स्टॉक्स को अपलोड करते हैं, तो रेलवे पे एक जो कम से कम दो तीन शेयरों पे एक राय हो जाएगी। रेलवे